नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पलायन पर चिंता जताई है, तो यूपी सरकार ने पलायन के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए आनंद फानंद में लॉकडाउन लगाया, जिसकी वजह से फिर से पिछले साल जैसे हालात पैदा हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फिर से वही फेज वन की तरह, उन्होंने फिर से महामारी के दौरान यूपी और बिहार के साथ वही रवैया दिखाया जो उन्होंने पहले दिखाया था। आनन फानन में जब लॉकडाउन लगाते हैं बिना तैयारी के और अपनी विफलताओं का पर्दा डालने के लिए लॉकडाउन लगता है, तो इसी प्रकार से व्यवस्था चरमराती है और लोग परेशान होते हैं। जब आपको वहाँ पर व्यवस्थाएं देनी थी, आपने व्यवस्थाएं नहीं दी, ना बेड्स दिए, ना अच्छे हॉस्पिटल करे, ना ही आपने लोगों को सुविधाएं और दी हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो अपनी विफलताओं को पे पर्दा डालने का एक उपाय रह जाता है कि लॉकडाउन लगा दो, और उस समय आपने जब लॉकडाउन लगाया तो उसका नतीजा कल रात को हमने उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर देखा है, और दिल्ली सरकार ने फिर वही उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों के साथ करा कि बसें लाकर बॉर्डर पे छोड़ दी लोगों को, उनकी व्यवस्था नहीं करी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल रात में उत्तर प्रदेश की बसें लगाकर, सरकारी और प्राइवेट लगाकर, 70 से 1 लाख लोगों को वहां से निकालने का कार्य शुरू कर दिया है और उनको अपने गांव तक की पहुंचाने का कार्य कराया जा रहा है। मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आनन फानन में लॉकडाउन जो लगाया है उसका नतीजा, उसका दृश्य हम लोग कल देख रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।